Hey we go baby, what's up guys, thanks for watching another episode, this is Piyush. तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Samsung A80 की and I'm sorry Samsung A70 की वीडियो इसके बाद आएगी, मुझे माफ कर देना। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं Samsung A80 में हमें क्या ऐसा फ्यूचरिस्टिक देखने के लिए मिला है और क्या चीजें पुरानी देखने के लिए नहीं मिली। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्हीं की, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एम करते हैं इस वीडियो पर 1000 लाइक्स का और साथ ही साथ आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। ऐसे मतलब नवरात्रे चल रहे हैं, मैंने सुना है कि इच्छाएं पूरी कर देनी चाहिए, तो तो जोक्स अपार्ट स्टार्ट कर लेते हैं इसके फर्स्ट फीचर से। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे इसकी डिस्प्ले की, तो यहाँ पर आपको पहली बार सैमसंग की तरफ से डिस्प्ले देखने के लिए मिली, जिसमें ना ही आपको इन्फिनिटी और डिस्प्ले देखने के लिए मिली है ना ही कोई नॉच। तो यहाँ पर आपको पहली इन्फिनिटी डिस्प्ले देखने के लिए मिल चुकी है सैमसंग की तरफ से। 6.7 इंच की सुपर एमोलेड पैनल है ये और इसके बेजल्स यार काफी पतले हैं और ऊपर की तरफ आपको बहुत पतले से बेजल दिए गए हैं और नीचे की तरफ बात करें तो मुझे लगता है तो S10 की जितनी इसकी चिन है नीचे से, तो अभी तक के जितने भी आपको मार्केट में फोन देखने के लिए मिलेंगे इसकी डिस्प्ले सबसे बेटर है। तो अब बात कर लेते हैं इसके सेकंड फीचर की। तो सैमसंग ने करीब करीब 1 से 1.5 साल पहले एक टेक्नोलॉजी शो करी थी जिसमें उसने दिखाया था कि उनके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें से कि डिस्प्ले के अंदर से आवाज आएगी। तो यहाँ पर आपको वही देखने के लिए मिला है, यहाँ पर आपको कोई ईयरपीस स्पीकर देखने के लिए नहीं मिला। तो अगर ऐसे मैं अपने दोस्त से वार्तालाप करता हूँ, वार्तालाप ही कहते हैं ना बात करने को, तो उस फोन के अंदर आपको कोई ईयरपीस स्पीकर देखने के लिए नहीं मिलता। तो उसकी वजह से भी उसके ऊपर की बेजल जो टॉप बेजल्स है वो काफी कम कर दी गई हैं और उस फोन के अंदर जो आपको साउंड मिलेगी वो अंडर डिस्प्ले आने वाली है, मतलब इस पार्ट के अंदर से, ऊपर के पार्ट के अंदर से। वार इज तो रियल फ्यूचरिस्टिक फोन आ चुका है सैमसंग की तरफ से। अब बात कर लेते हैं इसके थर्ड फीचर की। तो जैसे आप लोगों को पता है इसमें पॉपअप रोटेटिंग कैमरा है और कैमरा तो वाकई में काफी ज्यादा अच्छा दिया गया है सैमसंग की तरफ से। जैसे कि मैंने फोन को लॉन्च होने से पहले ही बता दिया था कि आपको इसके अंदर 3 कैमरास मिलेंगे, एक कैमरा को 48 मेगापिक्सल का, यहाँ पर दूसरा कैमरा है 8 मेगापिक्सल का एंड थर्ड कैमरा है एक TOF कैमरा सेंसर जो कि डेप्थ प्रोवाइड करवाता है। तो यहाँ पर सैमसंग की तरफ से काफी सारे इसके अंदर नए फीचर्स प्रोवाइड करवाए गए हैं, लाइक यहाँ पर आपको वीडियो में लाइव फोकस का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है जो कि बुके मोड प्रोवाइड करवाता है, DSLR वाले इफेक्ट होंगे और साथ ही साथ यहाँ पर आपको हाइपरलैप्स टाइमलैप्स सब देखने के लिए मिलता है। और एक सबसे बड़ी बात, यहाँ पर आपको सेल्फी में भी वही ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। अब काफी लोगों ने इस बात पर गौर नहीं करा, जो इसका कैमरा है वो दो पार्ट में रोटेट होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले जब वो ऊपर की तरफ पॉपअप होता है एंड सेकंड तो आपको पता ही है जब वो ऐसे सेल्फी के लिए उत्साहित हो जाता है कि लो सेल्फी सॉरी बैड जोक। तो यहाँ पर अभी तक 3 फीचर्स हो चुके हैं। अब बात करें फोर्थ फीचर की, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा इस फोन के अंदर भी आपको देखने के लिए मिली है 25 वोल्ट की सुपर चार्जिंग। तो यहाँ पर अभी तक S10 5G के अंदर ही हमें 25 वोल्ट की चार्जिंग देखने के लिए मिली है, ना ही S10 प्लस के अंदर ना ही S10 के अंदर। तो यहाँ पर इसकी भी OTA अपडेट आने वाली है अगर आपको नहीं पता, तो इनके अंदर भी 25 वोल्ट की आपको चार्जिंग देखने के लिए मिल जाएगी जल्दी और इस फोन के अंदर भी हमें एंड यहाँ पर A70 एंड A80 के अंदर भी हमें 25 वोल्ट की चार्जिंग देखने के लिए मिली है। तो फोन बिल्कुल तड़कता भड़कता चार्ज हो जाएगा। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा जो काफी लोगों ने नहीं बताई होगी। तो यहाँ पर सैमसंग ने हमें बताया कि इस फोन के अंदर हमें 3700mAh की बैटरी देखने के लिए मिलती है, बट एक्चुअल में वो बैटरी है 3610mAh की। तो यहाँ पर उसे कुछ ज्यादा तगड़ी तरीके से राउंड ऑफ कर दिया गया है, तो सैमसंग व्हाट इज। तो अब बात कर लें इसके नेक्स्ट फीचर की, तो यहाँ पर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। आई होप कि A50 से फास्ट हो क्योंकि उसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो स्लो है एज कम्पेयर टू वीवो में जो दिया जाता है या ओप्पो में हमें दिया गया है। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं कुछ इसके मिसिंग फीचर की जो हमें A80 के अंदर देखने के लिए नहीं मिले। तो सबसे पहली बात करेंगे यहाँ पर 3.5mm जैक की, हमें यहाँ पर 3.5mm जैक नहीं दिया गया इस फोन के अंदर। अब यहाँ पर सैमसंग ने 3.5mm जैक नहीं दिया, तो यहाँ पर टाइप सी का फायदा उठाया जाएगा। जैसे कि आप लोगों में से काफी लोगों को पता होगा कि टाइप सी चार्जिंग पोर्ट के मल्टीपल यूजेज हैं, यहाँ पर वो ऑडियो के लिए भी यूज करा जाता है एंड चार्जिंग के लिए भी यूज करा जाता है। तो यहाँ पर अब हम करने वाले हैं इसे ऑडियो के लिए यूज, तो यहाँ पर 3.5mm जैक नहीं देखने के लिए मिलेगा। और एक और फीचर है जो हमें इस फोन के अंदर देखने के लिए नहीं मिला, वो है एक्सपेंड नहीं कर सकते हम इसकी मेमोरी। जी हाँ, इस फोन की हम मेमोरी को नहीं कर सकते एक्सपेंड। यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन देखने के लिए मिला है फोन के अंदर, 8 GB ऑफ रैम, 128 GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज, और यहाँ पर हम इसे एक्सपेंड भी नहीं कर सकते। अब काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे ये फोन कब आएगा, तो 26 मई को ये फोन आएगा और साथ ही साथ इसका जो प्राइस होने वाला है वो अराउंड 50K होने वाला है, 50,000 रुपीज। तो बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर बताएं बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो और मुझे जरूर बताएं कि आप इस फोन को बाय करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। नेक्स्ट वीडियो में भी A70 की होगी, अगर आपको देखनी है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, उसके भी टॉप 5 फीचर्स की बात करने वाले हैं हम। एंड हाँ, मुझे आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, जब तक के लिए जो मन में आएगा इस बुक ने डू वॉच योर हार्ट स्टेट इन विद द चैंपियन बॉक्स गाइस बाय। अगर मैं हार अकल हुआ बेसहार अकल, मैं गिर के फिर से उठने को हूँ, बात ये बता रहा कल की कल का क्या भरोसा, कल को किसने परोसा, जितने भी हैं काम छूटे आज ही निपटारा, कल मैं जा रहा कल दूर परसों, देखना है जग मुझे अब मुझे, दे सलाह भी सब मुझे।